नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्योति पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता यदि 11th हाउस में प्लेस्ड हो तो कैसा प्रभाव देंगे, कैसा रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों, 11th हाउस को आपका लाभ भाव कहा गया है। 11th हाउस से आप अपने जीवन में होने वाले प्रॉफिट को देखा जाता है, जीवन में होने वाले लाभ को देखा जाता है। 11th हाउस से आप अपने बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, उनके साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, कैसे संबंध रहेंगे। 11th हाउस से आप अपनी डिजायर्स को देखा जाता है, आपकी जीवन में जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी या नहीं होगी वो भी देखा जाता है। 11th हाउस से स्मार्ट डिजीज भी देखी जाती है, 6th हाउस से भी देखा जाता है, ये 6th का 6th है तो यहाँ से छोटी मोटी बीमारियां भी देखी जाती हैं। यहाँ से आपका जो फ्रेंड सर्किल्स है, नेटवर्क है, वो भी देखा जाता है। तो दोस्तों, 11th हाउस को वृद्धि हाउस कहा गया है। जब भी कोई प्लेनेट यहाँ पर बैठता है तो उसके कार्यकत्व में वृद्धि होती है, और यहाँ पर मोस्टली सारे प्लेनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बजाय कि यहाँ पे अशुभ प्लेनेट होते हैं ना, जितने भी जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, राहु केतु शनि हो गया, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं बजाय कि शुभ प्लेनेट के। तो यहाँ पे कार्यकत्व में वृद्धि होगी, तो सूर्य के कार्यकत्व में वृद्धि होगी तो सूर्य के किस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपकी आत्मा को दिखाता है, तो ऐसा इंसान आत्मविश्वास भी हो सकता है, अपने आत्मसम्मान के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा। सूर्य को राजा की उपाधि दी गई, तो ऐसे इंसान का जो बिहेवियर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो राजा की तरह होंगे। सूर्य से सरकार को भी देखा जाता है, तो सरकार के साथ जुड़ के ऐसा इंसान लाभ भाव में बैठा है तो प्रॉफिट कमा सकता है। पॉलिटिक्स को भी देखा जाता है तो पॉलिटिशियन से जुड़ के भी यहाँ पे लाभ कमा सकता है। 11th हाउस में पिता को भी देखा जाता है तो पिता के साथ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, पिता को हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, थोड़ा सा छोटी मोटी बीमारियाँ दे सकती हैं। यहाँ से आपको खुद को भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज रह सकती है, हेल्थ से रिलेटेड इशू रह सकता है। दोस्तों, यहाँ पे सूर्य के कार्यकत्व में तो वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पे शनि की पोजीशन भी देखना जरूरी है, क्योंकि शनि के हाउस में बैठा हुआ है, शनि मेहनत का हाउस है, तो यहाँ पे सूर्य को बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा लाभ कमाने के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। लाभ को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे शनि, क्योंकि शनि और सूर्य में आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं दूसरे से, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे सूर्य देवता। यहाँ से आप अपनी प्रॉफिट से अपनी जो इच्छाओं हैं उनकी पूर्ति करेंगे। जब सन 11th हाउस में बैठेगा तो आपका जो नेटवर्क और फ्रेंड सर्किल है वो बहुत लंबा चौड़ा होगा, उसके उनसे भी आप बिजनेस करके या किसी भी तरीके से करके प्रॉफिट कमा पाएंगे। जब सूर्य 11th हाउस में बैठेगा तो मोस्टली आप बिजनेस ही करेंगे, मेटेरियलिस्टिक जितनी भी सुख सुविधाएं हैं ना उनको आप अपने मेहनत से पूरा कर लेंगे, क्योंकि शनिदेव की राशि है, शनिदेव आपसे मेहनत करवाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। सन आपकी आत्मा है, आत्मा आपके लाभ भाव में जाके बैठ रही है, तो ऐसा इंसान मनी माइंडेड होता है, बिजनेस माइंडेड होता है, हमेशा जीवन में प्रॉफिट कमाने मनी को ही दिमाग में रहता है, मनी ही कमाने की सोचता है, तो ऐसा इंसान थोड़ा सा लालची भी हो सकता है। अब जब सूर्य देवता 11th हाउस में बैठेंगे तो उनकी दृष्टि 5th हाउस पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब 7th हाउस को देखेंगे, 7th हाउस के 5th हाउस को देखेंगे, 5th हाउस में सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो ये सूर्य देवता खुद के ही घर को देखेंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे चाइल्ड को देखेंगे, 5th हाउस आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चे होने में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर करेंगे आपको, लेकिन ये गारंटी है कि आपकी संतति होगी, और संतति होने के बाद में आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा। यहाँ से एजुकेशन देखा जाता है, तो जिस फील्ड की आप एजुकेशन देंगे उसी फील्ड में काम करके आप प्रॉफिट कमाएंगे। यहाँ से आपको लव अफेयर्स देखा जाता है, तो लव अफेयर्स में ब्रेकअप जरूर करवाएंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो अशुभ होती है, माना आप खुद का घर है लेकिन फिर भी यहाँ ब्रेकअप जरूर करवा सकते हैं। लेकिन आपका क्या है ना, प्यार मोहब्बत से ज़्यादा आपको प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लगे रहेंगे, प्यार मोहब्बत से आपको ज़्यादा इतना रिलेशन नहीं होगा। यहाँ से आपकी इंटेलिजेंसी को देखा जाता है, मेमोरी को देखा जाता है, तो आप अपनी इंटेलिजेंसी बुद्धि का यूज करके प्रॉफिट कमाएंगे। यहाँ से आर्ट क्रिएटिविटी को देखा जाता है, तो आप क्रिएटिविटी का फ़ायदा उठाकर अपना प्रॉफिट कमाएंगे, क्रिएटिव पर्सनैलिटी के मालिक होंगे उसके थ्रू प्रॉफिट कमाएंगे। यहाँ से अनसर्टेन गेंस को देखा जाता है, गेमलिंग स्टॉक मार्केट को देखा जाता है, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 11th हाउस में सूर्य देवता बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।